हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन में, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू देते हैं, जिसे आप हमारे इस ब्लॉग में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर रूल्स हैं, आप जिन्हें इन रूल्स को आप पढ़ सकते हैं, फाइन। दीज आर द रूल्स विच यू कैन रीड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में, आपको उनको बताना है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ। देखो अभी अभी आप सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से 3 से 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, फाइन। तो उसमें जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये 6 कम्युनिटीज को दिया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 6 कम्युनिटीज हैं जिन्हें दिया गया है, और ये जो कम्युनिटीज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में एसटी कम्युनिटीज में नहीं आती, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं आती है, लेकिन आसाम में आती है, फाइन। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट थिंग इनके बारे में ये कि कम्युनिटीज कौन कौन सी है। देखो उसमें मेजर 6 कम्युनिटीज हैं, देवरीज, स्नोवाल, कचारीज, मुरांस, आदिवासीज एंड मिशिंग्स, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि ये जो इश्यू आया, जो मैंने ये एमसीक्यू क्यों पूछा, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरुणाचल प्रदेश में परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारी कुछ उथल पुथल हुई है, ठीक है। तो चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो पहली स्टेटमेंट बोलती है इट विल बी यूज्ड एज रेसिडेंट सर्टिफिकेट फॉर 6 कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो मैंने आपको बताया कि हाँ, इसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट की तरह यूज किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 6 कम्युनिटीज के लिए। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी है, वो है देवरीज, सोनोवल, कचारीज, मुरांस, आदिवासीज एंड मिशिंग्स, ठीक है। मैंने आपको बताया 6 कम्युनिटीज, रट्टा मार लेना, जरूर किसी ना किसी स्टेट पीएससी में पूछ लेगा ये, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट बोलती है कि जो कम्युनिटीज है वो आसाम में एसटी है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एसटी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, तो लेट अस टेक इट, ठीक है। इसे चेक मार्क कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन वुमेन, ठीक है। अभी यूएन वुमेन काफी न्यूज में है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है, सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बता देता हूँ यूएन वुमेन के बारे में। देखो ये जो यूएन वुमेन है, ये यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है, जिसे कि 2010 में बनाया गया था, लेकिन ये ऑपरेशन में 2011 से आई, ठीक है। और इसका मकसद है कि जेंडर इक्वालिटी हो और वुमेन एम्पावरमेंट हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूपीएससी में कई बार पूछते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो लेट अस चेक द स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 बट मेड ऑपरेशनल सिंस 2015, नहीं, इसे ऑपरेशनल 2011 से ही बना दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट है इट्स मेन गोल इज जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जी हाँ ये सही है। और तीसरी स्टेटमेंट है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, देखिए इसका आंसर होगा हमारा 2 एंड 3 ओनली, फाइन। इसके बाद मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोलता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड रेजोल्यूशन फॉर 33% रिजर्वेशन इन बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। मतलब यहां पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कौन से स्टेट ने अभी अभी मतलब एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। अब आप बोलेंगे भैया पार्लियामेंट से क्या लेना देने को, रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है लेकिन वो पार्लियामेंट के ऊपर है, वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, फाइन। सो वो स्टेट कौन सा है, आप सभी को लग रहा होगा केरला है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें तो पता होगा आंसर, लेकिन काफी लोगों को लग रहा होगा केरला होगा या फिर गुजरात होगा, बिकॉज दीज आर डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइन। लेकिन इसका आंसर उड़ीसा है, ठीक है, ये स्टेट पीएससी से पूछा जाता है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन रखा है, फाइन। तो इसका आंसर हो गया ओनली 1। आप इस तरीके से क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, फाइन। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेडिशन, मतलब ऐसा कौन सा आईपीसी का एक्ट है विच इज रिलेटेड टू सेडिशन। देखो यहां पर मैंने 4 एक्ट के बारे में मेंशन किया, 4 एक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखेंगे सेडिशन के लिए कौन सा एक्ट है। तो सबसे पहला था 497 एक्ट, ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में था, इट इज रिलेटेड टू एडल्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, फाइन। फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, दैट मीन्स एक्ट दिया 377, ये अबाउट मतलब जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको क्रिमिनल घोषित करता है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। दोनों काफी न्यूज में थे, इसलिए मैंने रिवीजन के लिए यहां पर रखा है। फिर दूसरा ये तो आप सब जानते होंगे 302 लटका देंगे आपको, सो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो फाइनली आंसर होगा इसका 124A, फाइन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया जी, इसका आंसर हमारा हो गया ओनली 1। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AN-32, ठीक है, AN-32 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, ठीक है। तो मैं आपको AN-32 के बारे में बताता हूँ। AN-32 एक
एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और अभी भी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज हम इसे दैट मीन्स क्या कहते हैं उसे, इसे हम मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसे अपग्रेड करवाना चाहते हैं यूक्रेन से, और इसे हमने सोवियत यूनियन से एक्वायर किया था, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट हो गई M32 के बारे में। अब नाउ लेट अस चेक दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इट इज अ मिलिट्री रिलेटेड एयरक्राफ्ट, नहीं मैंने अभी बताया कि इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इट वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। याद रखिएगा अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए रशिया तो आंसर गलत होगा बिकॉज हमने इसे सोवियत यूनियन से ही एक्वायर किया है, ठीक है, 1991 के बाद रशिया आया, बिफोर दैट इट वॉज सोवियत यूनियन विथ अदर 15 नेशंस, ठीक है। सो स्टेटमेंट टू इज राइट एंड इट इज अपग्रेडेड, और इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो AN-32 है जिसे कि जॉइंटली डिजाइन किया गया सऊदी अरेबिया यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया 2 and 3 ओनली, फाइन। सो लेट अस टेक ऑन 2 and 3। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर ये अभी नहीं तो 2 साल बाद जरूर पूछा जाएगा, क्यों, बिकॉज ये ऑपरेशनल 2 साल बाद होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे तो एक्सपेक्टेड पूछा जाएगा, लेकिन इस साल भी पूछा जा सकता है बिकॉज अभी ये लॉन्च किया गया है। तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, देखो इसे इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है और इसका मकसद ये है कि जो हमारी बॉर्डर्स होती हैं, जो सस्पिशन एरिया रहता है, फॉर एग्जांपल सस्पिशन वाला एरिया रहता है, फॉर एग्जांपल हमारा टेरिटोरियल बॉर्डर हो गया, इंडो पाक बॉर्डर हो गई, इंडो म्यांमार बॉर्डर हो गई, ठीक है, जो भी बॉर्डर है वहां पर काफी सस्पिशन एक्टिविटी चलती रहती है, तो वहां पर ऊपर से मतलब कुछ ड्रोन्स होंगे या फिर कुछ होगा वहां से उस पर वो नजर रखेगा, और जैसे ही अगर कुछ सस्पिशन एक्टिविटी रहती तुरंत ऑन द स्पॉट सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दिया जाएगा, यानी कि 10 साल बाद बताया जा रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी दैट मींस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, नहीं जी, इट इज लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। सो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इट विल सर्वेलेंस फ्रॉम द टॉप, दैट मींस एयर से टॉप करेगा थ्रू, मतलब इसका यहां पर मतलब यह है कि ड्रोन्स और बाकी सबका यूज किया जाएगा, यस इट इज करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट, इट विल ओनली सर्वेलेंस द सस्पिशन एरिया नॉट द कंट्री। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं भैया तो मेरे राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट है, ये लोग मुझे सर्वेलेंस कर रहे हैं, सिर्फ और जो सस्पिशन एरिया रहता है उसको बस दैट मीन्स सर्वेलेंस किया जाएगा, फाइन। इसके बाद अगली स्टेटमेंट हमारे सामने आती है कौन सी, लेट मी टेक अ कर्सर या लेट मी टेक इट, आंसर इज 2 and 3, फाइन। सो सेवंथ स्टेटमेंट आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एशियन पाम चिवेट। अब लेट मी टेल यू व्हाई एशियन पाम चिवेट इज इन न्यूज। देखो अभी अभी क्या हुआ है कि एक बंदा था, उसने क्या किया, एशियन पाम चिवेट को मारते हुए अपनी एक फोटोग्राफ ली, और आप सब जानते हो फेसबुक का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, उसने अपलोड कर दी फेसबुक में, ठीक है। अब अपलोड हो गई तो अब सामने जितनी भी फोर्सेस थी, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी थी उनके रिगार्डिंग सामने वो न्यूज आ गई, ठीक है, उन्होंने देख लिया कि इस बंदे ने एशियन पाम चिवेट को मार दिया है। तो अब उसके वो घर में जाते हैं, दैट मींस जब पता है तो चली जाता है फेसबुक से कि कहां से किसका घर है, तो जाके देखते हैं तो वहां पर उसने उस एशियन पाम चिवेट को आधा पका लिया था, ठीक है, और लगभग उसे खाने वाला था पूरा पकाने के बाद। और जब सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला कि आपने ये गलत किया है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर सम एक्ट, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे किस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, तो इट इज एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो आपने गलत किया, ये शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड है, जो कि आपने गलत किया है तो आपको अब जेल होगी। तो उस बंदे ने बोला भाई मैंने थोड़ी ना मारा, मुझे तो बस बीच में मिल गया और मैंने उसे उठा के खाना चालू कर दिया। तो फिर वो उसके बाद अलग से DNA दैट मीन्स फॉरेंसिक नाम की एक दैट मीन्स टेक्निक होती है जिससे उसे रिकॉग्नाइज किया कि भैया वो एशियन पाम चिवेट था, उसी ने मारा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग फिर उसे सजा दी जाएगी। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या। देखो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जी हाँ अभी मैंने बताया सही है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है इट इज अ शेड्यूल 2 स्पीशी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया शेड्यूल 2 में आता है इसके अंदर। और तीसरी स्टेटमेंट है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैं बता दिया हूँ कि 1972 के अंदर जब अंदर प्रोटेक्ट है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहाँ से भैया प्रोटेक्ट होगी, फाइन। तो इसका रियल आंसर होगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे। सो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो चलिए जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। सो पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जी हाँ दिस इज ट्रू। इट रिसर्च ओनली फौना, जी हाँ ये भी सही है, याद रखिएगा ये फ्लोरा पे रिसर्च नहीं करता है, ये मत भूलना, ठीक है, फ्लोरा पे रिसर्च नहीं करता है। एंड इट वॉज सेटअप इन 1916 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, जी हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो आंसर इज 1, 2 and 3।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विज एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपको ही अटेम्प्ट करना है, आई कांट अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि डिड यू लाइक द क्विज, यस नो कांट से, क्या बकवास का क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, मतलब इसमें क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसा भी आपको लगे आप यहाँ पर टिक करिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विज, नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रू, कितना सही और कितना गलत है, लेकिन ये मत बताइएगा, अपनी कमेंट जरूर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि क्विज में और क्या इंप्रूवमेंट्स लानी है। सो लेट अस सबमिट, प्लीज वेट, एंड यस स्कोर इज 8 बिकॉज 9th वाला क्वेश्चन नो वन कुड अटेम्प्ट, ठीक है, ये तो आप ही को बताना है। सो दिस इज ट्रू, आप इसे अपना जो क्विज का आंसर है वो अपने आपको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्विज अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ब्लॉग को सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा, जब भी डेली क्विज अपलोड होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ भैया डेली क्विज अपलोड हो चुका है। वैसे आई एम ट्राइंग कि डेली क्विज को मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे, ठीक है, दोपहर में 2 बजे के आसपास अपलोड कर दूं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको एक फायदा ये मिलेगा कि यू कैन अटेम्प्ट द क्विज, ठीक है, 2 बजे सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो और रात में अप्रॉक्सीमेटली शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे यूट्यूब में इसका सोल्यूशन वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, और जो ब्लॉग की जो लिंक है, ठीक है, मतलब ये जो आपके सामने जो मैंने क्विज अटेम्प्ट किया इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके बाद भी सोल्यूशन देख सकते हैं। एंड अगर आपको सब्सक्राइब करना है ब्लॉग, तो सर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एंड दैट्स इट, ठीक है, और आपका ब्लॉग सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको जब भी कोई भी मैं दैट मीन्स क्विज या कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूंगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड नाइस डे फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, सी यू नेक्स्ट टाइम।